हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम बैंकक्यू का रिव्यू लेके हैं। और ये रिव्यू क्यों लेके हैं, सबसे बड़ी वजह हमने भी खुद एक बैंकक्यू का भी प्रोडक्ट लिया था। उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आई, जैसे हमें बोला जाता कि स्पीकर को के साथ कंपैटिबल है, लेकिन यदि आप इसको स्पीकर के साथ मतलब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो स्पीकर है हेडफोन के जो इसमें प्लग दिए होते हैं वो बिल्कुल ही वर्क नहीं करते। जैसे जो हमने लिया 24 IPS का लिया था, और मतलब इसमें क्या था कि स्पीकर के साथ जैसे मैं इसको मतलब यूज करने की कोशिश कर रही थी तो उसमें बिल्कुल भी ये वर्क नहीं कर रहा था। अब इसके हम जानते हैं और भी इसके जो फीचर होते हैं, जो 24 IPS ये जो हाइट एडजस्टमेंट बोला जाता है ये कुछ भी नहीं होता। तो मतलब इसकी मतलब जैसे देखिए इसमें कितना रेट बढ़ जाता है, 11,987 का हो गया, और यदि 24 इससे देखते तो ये 8,000 का कुछ है समथिंग हो गया, तो मतलब 3-4 हजार में बढ़ जाते हैं, लेकिन मतलब मिलता कुछ भी नहीं है। आप यदि इसको सोचेंगे कि हाइट एडजस्टमेंट का कुछ हमें मतलब अलग से कुछ हमें मिलेगा तो कुछ ऐसा हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता उसका, मतलब बजाय आप मतलब एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए अलग मतलब वो ले सकते हो, कोई आप अलग से कोई बॉक्स ले सकते हो, अलग से कोई एडजस्टमेंट का वो ले सकते हो जो कि आपको कम से कम पड़ जाएगा 1,000 रुपये का। ठीक है, बाहर से और लोगे जैसे कोई मतलब जैसे हम चाइना टाइप का ले लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, वो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के कोई बेनिफिट नहीं है कि आप यदि ये लेते हो कि IPA जो उसका स्टैंड वगैरह है IPS वाला, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 24 IPS काफी होता है कि यदि आप इसको मॉनिटर को यूज करना चाहते हो अपने काम वगैरह के लिए, आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हो या कोई आप एनिमेशन करते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो, वट एवर, 24 और 22 मतलब काफी है, इतना ज्यादा आपको उससे 27 की कोई जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं कि ये जो आई केयर होता है क्या इसमें एंटी ग्लेयर दिया होता है, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ जो इसमें फीचर होता है। जैसे आप इसके नीचे इसको बटन दबाओगे तो देखिए जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये बल्ब का निशान, ये स्पीकर का निशान, ठीक है, तो ये क्या चीज होते हैं, इसको आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसमें दिया गया है फीचर कि इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि इसके ऊपर ये करके, ठीक है, अब जब मैं क्रॉस करती हूँ फिर मैंने इसके ऊपर ये वाला यूज मतलब सॉरी जस्ट अ मिनट, तो जैसे मैं इसमें ये यूज करना चाहूँ स्पोडेट ये रही, सीख नहीं पड़ते हैं कैसे ये होते हैं ये चीजें। आप इसको मतलब जैसे वेब सर्फिंग कर सकते हो, फिर यदि आप मल्टीमीडिया के लिए करना चाहते हो, रीडिंग के लिए करना चाहते हो, ऑफिस के लिए करना चाहते हो, तो ये वाले फीचर तो इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसे आपने ये मतलब ये वाला ऐसे करके आपको यहाँ नीचे ये करना है तो ये हो जाएगा, फिर नीचे जो तीसरा बटन होगा उसके नीचे वाला मतलब जो मॉनिटर तो नीचे तीसरा बटन होता है बिल्कुल नीचे सरफेस में, तो उसमें आप इसको टिक करके वो सेटिंग आप सेव कर पाओगे। तो इस तरीके से सेटिंग तो दी गई है, तो आई केयर के लिए थोड़ा बहुत सुविधा दी गई है, लेकिन आई केयर के लिए आप एक और कर सकते हो कि आप टीवी वगैरह लेके कोई भी आई केयर के लिए आजकल 200-300 रुपये के मीशो पे बहुत ज्यादा मिल जाता है एंटी ग्लेयर ग्लास। मैंने काफी लिया एंटी ग्लेयर ग्लास आई केयर के लिए, तो 200-300 रुपये के मिल जाता है, तो आप मतलब बजाय कितना महंगा आप चीज लो और बाद में आपको पता चले। जैसे इसमें बैंक में क्या है कि मॉनिटर में से आवाज बहुत कम निकलती है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है, और इनके जो सर्विस सेंटर के बंदे आते हैं वो भी काफी बेकार है। क्यों बेकार है, उनको कोई मतलब इसमें उनको सेटिंग ही नहीं आती कैसे इसकी सेटिंग करें, स्पीकर की कैसे सेटिंग करें, हेडफोन की कैसे सेटिंग करें, मतलब जो एक्सटर्नल हम स्पीकर यूज करना भी चाहें लगा के थोड़ा बहुत आवाज़ के लिए, तो उनको आता ही नहीं है कुछ काम करना जो उनके कस्टमर केयर के बंदे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी मतलब घटिया क्लास के वो मतलब रखते हैं ये अपना स्टाफ वगैरह, तो उनको कुछ ज़्यादा काम नहीं आता। और जो ये रिप्लेसमेंट करते हैं वो भी इनका जो होता है प्रोडक्ट यदि कभी रिप्लेसमेंट कर भी देते हैं, ठीक है, तो इनकी जो रिप्लेसमेंट आता है वो प्रोडक्ट भी काफ़ी बेकार होता है। साथ के साथ ही ये क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को मतलब मतलब इंस्टॉलेशन जो सर्विस देनी चाहिए ये शुरू में इंस्टॉलेशन सर्विस भी नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है एक जो बंदा होता है वो फेस करता रहता है कि भाई मतलब बार बार कि मतलब इंस्टॉल मतलब कैसे फीचर को यूज करें कैसे नहीं, तो इंस्टॉलेशन सर्विस भी देते। एक आप ये देख रहे थे कि स्टैंड वाला, जैसे मैं आपको बता रही थी कि स्टैंड कैसे कर सकते हो, तो आप इस तरीके से ये देखें एक्सटर्नल स्टैंड ले सकते हो। ठीक है, ये 11,988 का बताया पहले, कुछ कम का दिखाई दे रहा था यहाँ पे, तो मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की, मुझे लगा थोड़ा सा आपको पैसा आपको कम देना पड़ेगा जब आप एक्सटर्नल कुछ यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये तो अपने सही नहीं रहेगा, कुछ और ले सकते हो आप। तो कुल मिला के जो बैंकक्यू की हम क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बेकार है इसका। ये जो रिव्यू वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं आपको थोड़े बहुत जो अच्छे भी हैं ये मतलब खरीदे हुए इनके रिव्यू होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें भी इनका कॉल आता है कि आप अच्छे रिव्यू दोगे तो थोड़ा सा आपको ये बेनिफिट देंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बेनिफिट भी देते हैं अपना रिव्यू अच्छा ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई जो इनका प्रोडक्ट है काफ़ी वर्स्ट है, और अमेजोन भी हाँ सच्ची में ही इनमें अमेजोन की भी जो कस्टमर सर्विस है
इसको यदि हमने इसके लिए 5 बार लीगल नोटिस भेजा, कंपनी ने अमेजोन ने एक बार भी इस लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया ना ये पेरेंट दिया कि भाई जो ये मतलब खराब सर्विस दे रहे हैं या खराब प्रोडक्ट दिया था उससे रिलेटेड कुछ हम आपकी हेल्प करें, तो कुछ भी हेल्प नहीं की है। तो एट लास्ट कंज्यूमर कोर्ट ही इसमें हेल्प कर सकता है, लेकिन जो ये कंपनी वाले हैं कोई भी हेल्प नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले भी ठीक ठीक सा ऐसा कोई ज़्यादा अपना अच्छा भी नहीं है। और जैसे इसमें बोला गया है कि आपको क्या मिलेगा, स्टैंड वॉल माउट, ठीक है, तो जो कि मतलब जो वो वॉल माउट होता है वो क्या है, ये वॉल माउट वाला जो प्रोविजन है, ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं लेकिन उसके बाद मिलता नहीं है स्टैंड वाला, ठीक है, वो आपको अलग से ही परचेज करना पड़ता है। बस सिर्फ ये जो आता है सिर्फ नीचे नीचे का आपको मिलता है जब आप इसको बाय करते हो। ठीक है, और डिस्प्ले की जो हम बात करें, HD अल्ट्रा स्लिम बेजल IPS मॉनिटर जो ये लिखा गया है, तो इतना कोई इतना खास भी नहीं है। यदि हम इसे कम रेट के देखें, कोई TV वगैरह देखें या कोई भी देखें, तो हमें इससे कम रेट के मॉनिटर भी मिल जाएंगे, TV मिल जाएंगे। तो यदि जैसे हम मॉनिटर की भी बात करें, 3000 में हम बात करें तो आपको 3000 में मॉनिटर काफ़ी मिल जाएंगे। तो जो आप जैब्रोनिक्स का भी ले सकते हो, ठीक है, जैब्रोनिक्स के प्रोडक्ट अच्छे आते हैं, ठीक है, एंटर ब्लैक का तो मुझे नहीं पता लेकिन आप लेके देख सकते हो, फ्रंट टैक का भी सही ही है। ठीक है, इस तरीके से आपको काफ़ी जो मॉनिटर है मिल जाएंगे, जो कि आपको यदि आप अभी जैसे आप स्कूल कॉलेज में हैं तो आपके लिए काफ़ी है। वीडियो एडिटिंग के काम के लिए हमें अच्छा मॉनिटर चाहिए होता है, लेकिन बैंकों का तो फिर भी ना लीजिए, कोई और मॉनिटर ही लीजिएगा। ठीक है, तो यदि आप स्कूल कॉलेज में आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना आता है, थोड़ा बहुत अपना और थोड़ा सा थोड़ा और काम रहता है, तो उसके लिए सिर्फ आप यही करिएगा कि आप वो ही कर लीजिएगा, मतलब कम रेट का सैम्पल TV भी ले सकते हैं आप, या आप मॉनिटर भी ले सकते हैं। अब जैसे कि जो स्टैंड है, जैसे कि ये दिखाया गया है कौन से स्टैंड है, किस चीज़ के स्टैंड है, तो जैसे 32 इंच के जो होते हैं, ठीक है, तो ये उनको खड़े करने के लिए है। जैसे कि देखिए, मैं आपको तो बता रही थी कि अलग से आपको स्टैंड चाहिए तो TV के लिए आपको स्त्री मिल जाएगा 2899 का, देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप कोई सा भी TV आपके पास है कोई सी भी कंपनी का, तो आप इसको एक्सटर्नली खरीद लीजिए बजाय कि आप उनसे लीजिए। उससे यह होगा किसी भी कंपनी का आप साथ में इसके लगाना चाहें, खड़ा करना चाहें, तो खड़ा कर पाएंगे, ठीक है, बजाय कि बैंकों का ही लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन जो बैंकों की कस्टमर सर्विस है और जो इनके मतलब आते हैं एम्प्लॉय इंस्टॉलेशन के लिए कुछ भी मतलब लीगल नोटिस भेजने के बाद, पहले तो आता ही नहीं है, लीगल नोटिस भेजने के बाद जो आते भी हैं वो काफ़ी बेकार काम करते हैं, तो उनको कुछ काम करना ही नहीं आता, जिससे कारण क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत चल भी रहा है वो और भी खराब हो जाता है। तो कुल मिला के मैंने आपको बैंकों का रिव्यू दे दिया है, लेकिन आपको इसे खरीदना है या नहीं खरीदना आप देख लीजिएगा। मैंने बैंकों से रिलेटेड पहले भी रिव्यू दिए हुए हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। बैंकों से रिलेटेड जो हमारा रिव्यू है, मैंने आपको दिखाया हुआ है कि कितनी आवाज़ आती है कितनी नहीं। यदि आप बैंक के मॉनिटर का रिव्यू देखेंगे हमारा यहाँ पे ये पे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के ये जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारे रिव्यू दिए हुए हैं और आपको इसमें दिखाए भी है बैंक रिलेटेड, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आई थिंक इसमें एक वीडियो में दिखाया भी हुआ थोड़ा, मतलब उसका डिस्प्ले दिखाया भी, देखिए जो बैंकों का हमने जैसे लिया हुआ है, तो इसमें मतलब हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी मतलब इतना महंगा प्रोडक्ट और कुछ भी सुविधा नहीं। तो कुल मिला के मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि सस्ता आप मॉनिटर ले सकते हैं, या LG जब आप मॉनिटर अच्छे वाला लेना है तो आप LG का लीजिए। LG की जो प्रोडक्ट है, हमने आज तक मतलब कम से कम 10 साल हो गए मैं LG के प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, LG और सोनी के, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी अच्छे निकलते हैं LG के। तो यदि आपको मॉनिटर ही लेना है तो आप LG का लीजिए, और इसके बजाय आप TV भी ले सकते हैं अपनी आँख की सेविंग के लिए। आप अपना क्या कहते हैं एंटी ग्लेयर ग्लास अलग से खरीद सकते हैं, मीशो पे 200-300 रुपये के आ जाते हैं। तो आज का मेरा इतना ही रिव्यू है, आप क्या खरीदना चाहेंगे, मॉनिटर या TV, और कौन सी कंपनी का खरीदने वाले हैं TV या मॉनिटर, और कितने रुपये का, और यदि आपको TV ले रहे हैं तो अपनी आई सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या परचेज किया, कितने रुपये का, किस लिंक से, तो वो भी हमारे साथ आप शेयर करिए। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते किसी नए वीडियो पर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।